मध्य प्रदेश में बीते दिन एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भोपाल जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिस पर मौसम विभाग ने भोपाल जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल प्रदेश में अब तक 35% बारिश हो चुकी है। दूसरी नदियों और बांधों में भी पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले ने बताया कि एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ गुजरात से बन रहा है, जो मानसून ट्रफ के साथ मर्ज हो गया है, जिस वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। उन्होंने श्योपुर, उज्जैन, देवास, राजगढ़, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश और इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले 24 घंटे में जो है हमने पूर्वानुमान दिया था, कहीं कहीं हल्की से मध्यम, मध्यम से मध्यम वर्षा तथा कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसके हिसाब से अभी आने वाले मीन्स पिछले 24 घंटे में जो है सर्वाधिक वर्षामान जो है मोहनगढ़, ये टीकमगढ़ जिले में आता है तहसील, वहाँ पे 230 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उसके साथ ही उसी के और दो चार तहसील जो है वहाँ पे भी जो है 110 मिलीमीटर, कहीं 90 मिलीमीटर, कहीं 95 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। अभी आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना हुआ है, उसका वर्टिकल एक्सटेंशन 7.6 किलोमीटर अबव मीन्स सी लेवल बना है, और जो मानसून ट्रफ जा रहा है वो मीन्स अपना राजस्थान से होते हुए ग्वालियर, खजुराहो और आगे फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। और इसके साथ ही जो है एक शियर जोन 21 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है, एक ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है जो कि गुजरात से केरल कोस्ट तक जाता है, और गुजरात के ऊपर एक साइसर बना हुआ है जो कि 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। इन सभी सिनोप्टिक सिचुएशन के चलते जो है आने वाले 24 घंटे में जो है पूर्वानुमान दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जो है फ्यू से लेके मोस्ट प्लेसेस तक के वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।